आमच्या प्रत्येक न्यूजचा अपडेट पाहण्याकरिता यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा. न्यूज आवडली असेल तर नक्की शेअर करा. आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन कई लोगों के सपने साकार हो जाते तो किसी के नहीं, क्योंकि आर्मी में भर्ती होने की प्रक्रिया के नियमों के कारण वही सपने तर बितर हो जाते, लेकिन बार बार आठ मर्तबा कुछ सेंटीमीटर की कम ऊंचाई से रिजेक्ट हो चुके सुमित कौर का आज भी आर्मी में भर्ती होने के जज्बे को लेकर सुमित, जी हाँ, दिल्ली से कारगिल 1100 किलोमीटर रनिंग करते हुए पूरे जज्बे से यात्रा पर निकला है. परतवाड़ा के सुमित का फौज में भर्ती होने का सपना. वो बचपन से ही फौज में भर्ती होने का सपना देखता रहा. मात्र कुछ सेंटीमीटर की कम ऊंचाई से आठ मर्तबा हो चुका रिजेक्ट. फौज में जाने का सपना लिए वो दिल्ली से कारगिल दौड़ रहा. एसएन के संवाददाता संजय जोशी से सुमित गौर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है. आइए देखते हैं परतवाड़ा से संवाददाता संजय जोशी की विशेष रिपोर्ट. जज्बे और जुनून से लबालब इस युवक का नाम है सुमित राधेश्याम गौर. उम्र मात्र 22 वर्ष. सुमित के घर में माँ पिताजी के अलावा दो भाई अमित और मनीष है. पिताजी राधेश्याम यह गर्मियों के मौसम में स्थानीय दुरानी चौक पर लस्सी की दुकान लगाते हैं. शेष आठ माह परिवार का उधर निर्वाह पानीपुरी का ठेला लगाकर किया जाता है. गृहिणी कोमल भी एक सपना संजोए बैठी है कि सुमित का देश रक्षा का ख्वाब जल्द से जल्द साकार हो जाए. स्थानीय कांडली परतवाड़ा के यशोदा नगर खुले प्लॉट निवासी गौर परिवार का लाडला और जुनूनी सुमित अभी तक 8 से 9 मर्तबा फौज भर्ती की शारीरिक जांच में सहभागी हो चुका था. अमरावती, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, अकोला, वाशिम, नागपुर, गोंदिया आदि जिला मुख्यालयों पर आर्मी में भर्ती होने के उद्देश्य से समय समय पर सुमित शारीरिक क्षमता जांच में शामिल होने गया था. जांच के दौरान सुमित का वजन, उसकी छाती, उसकी दौड़ सहित अन्य सभी करवाई जाती कसरतों में फौज अधिकारियों ने उसे बिल्कुल 100% परफेक्ट करार दिया, लेकिन उसकी शारीरिक ऊंचाई को फौज के प्रचलित नियमों के तहत अपात्र घोषित कर दिया गया. बावजूद इसके सुमित के हौसले में, उसके प्रयत्नों में, उसकी जिद में कोई कमी नहीं आई. किसी भी सूरत ये हाल में हिंदुस्तान का फौजी बनना है, इस मातृभूमि की सेवा ही करनी है. सुमित ने फौज में जाने के अपने दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने अपनी पढ़ाई को भी तिलांजलि दे दी. वो पूरी एकाग्रता से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का मानस बना चुका है. आठ मर्तबा अपात्र घोषित किए जाने के बाद भी निराशा हताश सुमित को छू नहीं पाई. 5 दिसंबर की अल सुबह 6 बजे दिल्ली की कपकपाती ठंड और कोहरे के बीच हाथ में तिरंगा थामे सुमित ने अपने मिशन कारगिल का श्री गणेश किया. इस मौके पर इंडिया गेट पर तैनात रहते आर्मी जवानों ने शुभकामनाएं देते हुए और उसके जज्बे की हौसला अफजाई कर उसे रवाना किया. रविवार की रात एसएन नेटवर्क के विशेष प्रतिनिधि संजय जोशी से सुमित ने मोबाइल पर बात की. आइए देखते हैं सुमित ने क्या कहा. हाय फ्रेंड्स, मैं अभी चंडीगढ़ के कुरुक्षेत्र के पास हूँ. एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं नेशनल हाईवे की मदद से चल रहा हूँ, तो आगे कोई सिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, तो मैं इन बिहारी लोगों की झुग्गियों में अभी रुका हूँ. ये आप देख सकते हैं. मैंने इनसे कहा कि मुझे बस एक रात हमको काटनी है, तो इन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ रुक जाइए, तो कल सुबह मैं यहाँ से सुबह अपना ट्रैकिंग चालू कर दूँगा. ओके, गुड नाइट. ये थी परतवाड़ा से संजय जोशी की रिपोर्ट. सुमित गौर के ऐसे जज्बे को एसएन चैनल सलाम करती है. आमच्या प्रत्येक न्यूजचा अपडेट पाहण्याकरिता यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा. न्यूज आवडली असेल तर नक्की शेअर करा.